वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। मैं आज आपको बीज अमृत या बीजोपचार या बीजों का टीकाकरण के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए एक स्वस्थ बीज ही स्वस्थ पौधे को जन्म दे सकता है। तो बीज को स्वस्थ करने के लिए उसका टीकाकरण करना या उसका बीज उपचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको उसको संपूर्ण जानकारी दूंगा कैसे काम करता है, और ये हम गोबर गौमूत्र से बनाएंगे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली बीज अमृत या बीजोपचार या बीज टीकाकरण। तो देखिए जो हम बीज अमृत बनाएंगे उस पर बहुत अनेक मित्र होते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास आदि प्रकार के प्रजाति के जीवाणु तैयार होते हैं जो रोगकारी जीवों को नष्ट करते हैं और हमारे बीज को शक्तिशाली बनाते हैं और बढ़ने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो इसकी मैं पूरी आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो बीज अमृत बनाने से पहले ये सूक्ष्म जीवाणु कैसे काम करते हैं मैं इसके बारे में आपको पहले जानकारी देना चाहूंगा। तो देखिए इसमें सूडोमोनास पाया जाता है जो पौधों की वृद्धि में उपयोगी मिट्टी जनित रोगों के लिए प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाला एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि कराने वाला रहता है, क्योंकि सूडोमोनास अपने आप में इतना शक्तिशाली काम करता है जो हमारे शत्रु जीवाणु है उनसे लड़ाई करता है और ये सब चीजों को बढ़ता है जिससे हमारे पेड़ पौधे बहुत अच्छे से वृद्धि करते हैं और हमारी जो मिट्टी में जो रोग होते हैं उसको प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता भी ये बहुत अच्छे से कराता है, क्योंकि जड़ों में रहता है। जड़ों में रहने के कारण जड़ हमारी जहां तक फैलती है, जड़ जहां तक फैलेगी वहां तक अपना पोषक तत्व ले लेगी, लेकिन हमारी जड़ जहां नहीं फैली वहां भी बहुत पोषक तत्व पाए जाते हैं, फॉस्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बहुत कैल्शियम, बहुत सारी चीजें पाई जाती है। तो ये जड़ों में फैला रहता है गठानों के रूप में और परजीवी टाइप उन पर डिपेंड रहता है और वहां से फैल के ये पोषण तत्वों को हमारी जड़ को देता है और उसको बहुत शक्तिशाली बनाता है। तो ये बहुत ज्यादा काम की चीजें। दूसरा आपने इसमें देखे कि ट्राइकोडर्मा, देखिए ट्राइकोडर्मा जो है हमारा मित्र फफूंद है, मृताजनक रोग जैसे जड़ गलन उपटा में बहुत अहम भूमिका निभाता और इसका जो सबसे ज्यादा ट्राइकोडर्मा जीवाणु का जो हमारा मित्र जीवाणु है इसका काम है कि स्वयं मिट्टी में पनपता है, जितनी ज्यादा इसको नमी और ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा उतना ज्यादा ही फैलेगा। पौधा जब अधिक छोटा होता उस समय अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब हमारे छोटे पौधों के लिए ये बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान करता है क्योंकि ये मांसाहारी फफूंद है। हमारे पेड़ पौधे, छोटे पेड़ पौधों को जो शाकाहारी सूक्ष्म जीव है वो उस पर हमला करते हैं और वो उसको खराब कर सकते हैं। मांसाहारी कभी हमारे पेड़ को नहीं चाहिएगा क्योंकि उसको मांस चाहिए, पेड़ पौधों में मांस नहीं मिलेगा। तो ये किस तरीके से काम करता है कि ये जितने भी जो शाकाहारी सूक्ष्म जीव है जो हमारे पेड़ पौधों को आक्रमण करने आते हैं उनसे लड़ाई करता है और उनको खा जाता है। इसके अलावा ये हमारी जड़ों में फैल के इस तरीके का सूक्ष्म जहर छोड़ता है जिससे वो पूरे सूक्ष्म तत्व मर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। तो ट्राइकोडर्मा आपने बहुत से आधुनिक वैज्ञानिक को कहते सुने होंगे कि आपकी जमीन में ट्राइकोडर्मा डाल लो, सूडोमोनास डाल लो, माइक्रो राजा डाल लो। इसमें माइक्रो राजा भी रहता है। माइक्रो राजा क्या काम करता है, यह भी जड़ में परिजीवी टाइप फैल जाता है और ये भी जो जरूरी सूक्ष्म तत्व है जो हमारी जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे उनको पहुंचाता है और ये इतना शक्तिशाली है कि जमीन के नीचे जो हमारे 10 से 12 फीट पानी या नमी है उसको सोख के हमारे पेड़ पौधों को देता है। इसलिए आपने देखे होंगे कि ज्यादातर जंगलों में भी पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें इस माइक्रो राजा का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो अब आपने इस चीजों को देख लिए। इसके अलावा जो हम आपको बीज अमृत बनाने बता रहे हैं उसमें लगभग 24 प्रकार के सूक्ष्म तत्व रहते हैं और सूक्ष्म जीवाणु मिलके कुछ पादप वृद्धि कारक हार्मोन्स या ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स पैदा करते हैं। ये जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स पैदा करते हैं ये जैसे क्या कर रहे हैं, इंडोलिक एसिडिक एसिड, जिब्रेलिक अल्म, साइटोकाइनिन, ये करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पेड़ पौधों की जड़ें मजबूत होती है, तना बहुत अच्छा मजबूती से आता है, पौधा हमारा जवान रहता है, किसी तरीके की उसको बीमारी नहीं लगती, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, फल वर्धक बढ़ता है। तो ये चीज होता है। इसमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत होती है और फॉस्फोरस ही एक ऐसी चीज है जो जड़ों को फैलाती है। जड़ों के फैलने से हमारे उसमें पेड़ पौधा बहुत मजबूती से बढ़ता है, बहुत स्पीड से बढ़ता है। जो पौधा एक साल में बढ़ता है वो 6 महीने में उतना बढ़ जाता है। इसके अलावा उसमें फल बहुत आते, फूल बहुत आते हैं और उसका विकास बहुत अच्छी तौर पर होता है। तो अब ये हम कैसे बनाते हैं, ये बिल्कुल सही तरीका हम बीज अमृत बनाने का आपको बताने वाले हैं लाइव। इसमें हम एक मिट्टी की मटकी ले लेंगे
ये हमने मटकी ले ली। अब इस मटकी में हम आपको 100 किलो बीज के लिए बता रहे हैं, 100 किलो बीज के लिए, 100 किलो बीजों का उपचार, बीज का उपचार। इसमें हम लेंगे 5 किलो ताजा गोबर, 5 किलो ताजा गोबर लेंगे, 5 लीटर इसमें हम गौमूत्र लेंगे, 250 ग्राम इसमें हम चूना लेंगे। चूना जो हमारे पान में खाने के लिए, घर में पोताई के लिए लगता है, वो लेंगे। 1 लीटर इसमें हम दूध लेंगे। दूध मिल जाए तो इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, दूध नहीं मिले तो कैल्शियम भी वो काम करता है। देखिए, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध की बहुत जरूरी रहती है, तो दूध इतना माइल्ड होता है, अगर हमारी देसी गौ माता का दूध मिलेगा तो उसमें लैक्टोबैसिलस और बहुत ऐसे सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो उसको बढ़ाने में और रोग से लड़ने की क्षमता में शक्ति देंगे। इसके अलावा 1 मुट्ठी कोई भी मेड़ की मिट्टी, कोई भी बड़े पेड़ की मिट्टी। मिट्टी हमको बड़े पेड़ की 50 साल पुराना होना चाहिए, जैसे आम का हो गया, पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, नीम का हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का प्रवाह ज्यादा होने के कारण उसमें बहुत सूक्ष्म मित्र जीवाणु पैदा होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं और वहां की हवा के में लड़ाई, मतलब लड़ने के लिए शक्तिशाली होते हैं। जिस तरीके से हम जिस जगह रहते हैं उस जगह हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है, तो ये जीवाणुओं की भी बढ़ जाती है और ये हमारे पेड़ पौधों को बढ़ने में बहुत शक्तिशाली ताकत देते हैं और जीवस जीवनम को चरितार्थ करते हैं कि जीव द्वारा जीवन संभव है। क्योंकि हमारे शरीर में भी 96% सूक्ष्म जीवाणु पूरे शरीर में, जो खाना पचाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे शरीर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो हमारा खून को फ्लो का काम कर रहे हैं, मतलब सब सूक्ष्म जीवाणु द्वारा होता है। अब इसके अलावा हमको इसमें 20 लीटर पानी चाहिए, इसको हमको 24 घंटे के लिए रखना है। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए इसको हमको रख लेना है। 24 घंटे में इसको हमको 2 बार लकड़ी से हिलाना है। 24 घंटे के बाद ये आपका 100 किलो बीज के लिए तैयार हो गया, जो 100 किलो बीज आपका 2 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक अलग अलग बीजों में ये उपयोग हो सकता है। गोबर, गौमूत्र, चूना, दूध अगर आपको मिल जाए, 1 मुट्ठी मिट्टी और पानी, ये दुनिया का सबसे अच्छा बीज अमृत, ये बीजों का टीकाकरण है जिसका मैंने आपको फायदे बताया। हमारे बीज इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, हमें कोई मार्केट से कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, और ये जो हमारा बीज अमृत बनेगा ये बहुत ताकतवर बनेगा। 24 घंटे के बाद इसको हमको छांव में रखना है। छांव में रखने के लगभग हम इसको 7 दिन तक उपयोग में ला सकते हैं। बनने के बाद 7 दिन तक हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो आपने देखा कि ये कितना ताकतवर है, जिसको हम बीज उपचार या बीजाबृत से बीज का टीकाकरण कह सकते हैं, और कैसे सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, माइक्रोराजा किस तरीके से हमारी हिफाजत करते हैं और किस तरीके से हमारा कितना अच्छा काम करते हैं। तो आपने देखा कि बीज अमृत को अगर आप सही तरीके से बनाएंगे, आपको मल्टीनेशनल कंपनियों कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक गऊ माता है, आप बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। चूना आपको कोई भी पान की दुकान या आसपास के उसमें बहुत सस्ते में मिल जाएगी, 5 रुपए किलो में। तो इससे सस्ता, इससे शक्तिशाली, इससे ज्यादा उपयोगी बीज अमृत हमें मिलेगा नहीं। हमेशा अच्छी फसल के लिए हमें बीज उपचार या बीजों का टीकाकरण करना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ बीज भी शक्तिशाली पेड़ पौधों को बना सकते हैं, जिससे किसान उन्नत हो सकता है। और प्राकृतिक तौर पे हमें मल्टीनेशनल कंपनी के जाल में नहीं फंसना है। हमको ना मार्केट से माइक्रो राजा लाना है, ना ट्राइकोडर्मा लाना है, ना सूडोमोनास लाना है, जो हमारे गोबर, गौमूत्र, चूना में बढ़े। और चूना और दूध का सबसे बड़ा काम यह है कि ये सूक्ष्म तत्वों को बढ़ाता है, उनकी सूक्ष्म जीवाणुओं को भी बढ़ाता है और उनको शक्ति देता है। तो आइए इस अनमोल यात्रा में जुड़े प्राकृतिक खेती में, और कम से कम 10 एकड़ वाला किसान, 1 एकड़ में 5 एकड़ किसान, आधा एकड़ में इसको प्राकृतिक खेती करें, तो क्या हम घर खा रहे हैं और हम अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं। तो आज सब लोगों को शपथ लेना होगा कि जो भी अपने परिवार से प्रेम करता है, वो गेहूं, धान, दाल और सब्जियां कम से कम अपने घर के लिए शुरुआत में स्टार्ट करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, लगभग 70 एकड़ में प्राकृतिक खेती करते 80 किसानों को लगभग अभी हम लोगों ने जोड़ के काम चालू कर चुके हैं, तो बहुत उन्नति की तरफ जाएंगे। और हमारा उगाया हुआ गेहूं, चावल, दाल सिर्फ
भारत में नहीं, मध्य प्रदेश में, पूरे विश्व में जाएगा और हम लोग एक स्वस्थ भारत की कल्पना करेंगे और स्वस्थ दुनिया की वासुदेव कुटुंबकम को चरितार्थ करके पूरे विश्व को स्वस्थ करेंगे। जय हिंद।